हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हमारी एक्सेल की दूसरी क्लास है। दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में हमने एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलाज को समझा था, जैसे कि सम का फॉर्मूला, डिवीजन का, सब्ट्रैक्ट का और मल्टीप्लाई करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो वर्कशीट के ऊपर होगा कि एक्सेल में वर्कशीट क्या होती है, एक नई वर्कशीट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, उसकी शॉर्ट कमांड क्या होती है, इसके अलावा हम डिलीट कैसे कर सकते हैं एक वर्कशीट को, और कैसे हम उसको रिनेम कर सकते हैं, और कैसे हम एक वर्कशीट को कॉपी और मूव करके किसी दूसरी वर्कशीट पे ले जा सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने स्क्रीन पर एक एक्सेल शीट ओपन कर रखी है। इसमें ये जो नीचे शीट वन लिखा हुआ है इसको ही हम वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें दूसरी वर्कशीट क्रिएट करनी हो तो हम प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी दूसरी वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी। देखिए जैसे आप लोगों के सामने शीट टू यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसकी जो शॉर्ट कमांड होती है वो होती है शिफ्ट प्लस F11। जैसे ही हम शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करते हैं तो देखिए हमारी शीट थर्ड भी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो जो नई शीट क्रिएट करने का जो शॉर्ट कमांड होती है वो होती है शिफ्ट प्लस F11। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नई शीट क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली और शॉर्ट कमांड के थ्रू, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्कशीट को कॉपी या मूव करके एक नई शीट पे पेस्ट करना। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्कशीट पे जाके माउस से राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन शो करेंगे, जिसकी एक तो मूव और एक कॉपी। कॉपी करने से क्या होगा कि हमारे जो भी डेटा होगा, जो भी हमारी वर्कशीट होगी, उसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट होकर हम जहां पे भी लेके जाएंगे वहां पे जाके वो पेस्ट हो जाएगी। और मूव करने से क्या होगा कि पूरी की पूरी वर्कशीट यहाँ से कट होके हम जहां लेके जाएंगे वहां पे चली जाएगी। तो देखिए मैं आपको इस ऑप्शन का यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक यहाँ पे दूसरी वर्कशीट ओपन कर रखी है। अब मेरे को इसका डेटा उठा के इस वाले वर्कशीट पे लेके जाना है। अगर आपको एक शीट से दूसरी शीट पे जाना हो तो आप ऑल्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो आप अपने जितने भी आपने जहां पे टैब ओपन कर रखे होंगे वो सारे सारे टैब आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मेरे को ये वाला यानी शीट वन का डेटा उठा के यहाँ लेके जाना है, एक नई शीट क्रिएट करके वहां लेके जाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इस पे जाके राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से कॉपी और मूव पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे टू बुक के अंदर जाके मेरे को अपनी वो वर्कशीट सिलेक्ट करनी पड़ेगी जहां पे मेरे को डेटा पेस्ट करना है। तो मेरे को यहाँ पे इसे बुक वन पे लेके जाना है। बुक वन पे ले जाने के बाद हमको इसको बताना पड़ेगा कि शीट वन पे आपको डेटा डालना है, टू पे डालना है, थ्री पे डालना है, फिर मूव इन दी एंड पे, यानी कि सबसे एंड में जाके एक नई शीट क्रिएट करके वहां पे डालना है। अगर आपको कॉपी करना हो तो आप क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर दे। अगर आप क्रिएट कॉपी पे क्लिक नहीं करेंगे तो हमारी शीट जो है वो मूव हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मेरे को सिर्फ इसकी एक कॉपी लेके जानी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मैंने ओके प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे शीट वन, इसका नाम शीट वन था, तो यहाँ पे शीट वन बन के इसके आगे टू ब्रैकेट में लिखा गया। टू क्यों लिखा है ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे शीट वन पहले से बनी हुई है। कोई भी टैब का या फिर कोई भी वर्कशीट का सेम नाम नहीं रख सकते, यानी कि एक ही नाम की हम दो वर्कशीट क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या करा कि यहाँ पे जब एंड में पेस्ट किया हमारा डेटा तो यहाँ पे ब्रैकेट में टू लिखा हुआ आ गया। अब देखिए जो डेटा यहाँ था वो डेटा पूरा का पूरा यहाँ पे आपके सामने आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एक वर्कशीट को कॉपी या मूव करके हम अनदर शीट पे भी ले जा सकते हैं और उसको डेटा को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, कॉपी और मूव के ऑप्शन को भी सीख लिया है। अब हम सीखेंगे किसी भी वर्कशीट को डिलीट करना। हम किसी भी वर्कशीट को डिलीट कब करते हैं, जब हमें उस शीट की जरूरत नहीं हो या फिर गलती से हमने उस वर्कशीट को क्रिएट कर लिया हो, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हमें एक्सेल में कोई भी वर्कशीट डिलीट कर दी हो तो हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे कि हम एक्सेल में क्या करते हैं कि अगर कोई डेटा हमने गलती से डिलीट कर दिया हो या कोई गलती से हमने कुछ गलत टाइप कर दिया हो तो हम कंट्रोल जेड प्रेस करके उसे अंडू करके वापस ला सकते हैं। बट ये कमांड किसी भी वर्कशीट को डिलीट करने के बाद उसे वापस लाने के लिए या उसे वापस क्रिएट करने के लिए काम नहीं आती है। तो जब भी आप कोई वर्कशीट डिलीट करें तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको डबल कंफर्म करना है कि आप जो वर्कशीट डिलीट कर रहे हैं कि आपको वही वर्कशीट डिलीट करनी है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको वर्कशीट डिलीट करके दिखाता हूँ कि हम वर्कशीट कैसे डिलीट करते हैं। जैसे हमने ये डेटा यहाँ पे, जैसे हम ये वाली वर्कशीट यहाँ पे लेके आए, अब हमें ये वर्कशीट नहीं चाहिए, हमने गलती से यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर लिया, हम इसको यहाँ पे ले आए। अब हमें नीचे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। देखिए मैं आपको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद ही हमको वार्निंग देता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर ये खुद हमें एक्सेल कमांड देता है, इस चीज के बारे में वार्निंग देता है कि अगर आपने शीट डिलीट कर दी तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, इसे आप वापस नहीं ला सकते अंडू करके। जैसे मैंने इसको डिलीट किया, जैसे मैं डिलीट करूंगा तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल जेड जैसे मैं प्रेस करूंगा ना तो मेरी शीट यहाँ पे नहीं आएगी। रीजन क्या है कि वो परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। तो जब भी आप कोई वर्कशीट एक्सेल में डिलीट करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि जो वर्कशीट आपने डिलीट किया वो वापस नहीं आ सकती है, तो आप सोच समझ के ही उसको डिलीट कीजिएगा। तो अब तक हमारे तीन टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, पहला वर्कशीट को क्रिएट करना, दूसरा वर्कशीट को कॉपी या मूव करके किसी अनदर शीट पर लेके जाना, और तीसरा वर्कशीट को डिलीट करना। अब देखिए वर्कशीट के कुछ बेसिक फीचर्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे कि मैं इस पर जाके राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि इंसर्ट करना, डिलीट करना, रिनेम करना, कॉपी मूव का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, डिलीट मैंने आपको बता दिया, व्यू कोड और प्रोटेक्ट शीट, टैब कलर, हाइड करना, अनहाइड करना, सेलेक्ट ऑल शीट और लिंक द शीट, लिंक टू द शीट। अब मैं आपको इनके भी फीचर एक बार थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे इंसर्ट पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि वर्कशीट, चार्ट, MS Excel मैक्रो। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि मैक्रो एक्सेल का एक एडवांस फीचर है, एक एडवांस मतलब ऑप्शन है जिसे आप यूज कर सकते हैं जब भी आप मतलब एक्सेल के अंदर कोई एडवांस लेवल का वर्किंग करेंगे, यानी कि आप कोई बड़े लेवल की वर्किंग करेंगे तो आप मैक्रोस का यूज करके उसे आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैक्रोस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा तरीके से, अभी मैं सिर्फ वर्कशीट पर क्लिक करके इसे क्रिएट करके बताता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए मेरी शीट 5 यहाँ पे क्रिएट हो गई है, और इसके दूसरा ऑप्शन जो है वो है रिनेम करना। अगर मेरे को यहाँ पे शीट 5 की जगह पे से और कुछ नाम देना हो तो मैं रिनेम पे क्लिक करूंगा। जैसे मेरे को शीट को नाम देना है डाटा, जैसे मैंने इस पे डाटा टाइप किया तो यहाँ पे इसका रिनेम हो गया है। कॉपी मूव का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। व्यू कोड के अंदर जाके अगर हमने इसके अंदर कुछ कोडिंग कर रखी है शीट के लिए तो हम वो यहाँ से देख सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट हमारे कब काम आती है, प्रोटेक्ट शीट हमारे तब काम आती है, मान के चलिए आपका कोई डाटा ऐसा है जो कॉन्फिडेंशियल है कि अभी डाटा कोई डिलीट ना करे, इसे कोई एडिट ना कर सके, तो हम क्या करेंगे उसे प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करके और हम उस डेटा को प्रोटेक्ट कर देंगे कि इसे अगर कोई डिलीट करेगा तो सबसे पहले उसके अंदर उसको जाके उसका पासवर्ड या कोड जो भी आप इसमें डालेंगे वो उसको डालना पड़ेगा, उसके बिना वो शीट को एडिट नहीं कर सकता है, शीट को डिलीट नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके नीचे ऑप्शन है टैब कलर। टैब कलर क्या होता है कि जो आपके ये शीट 1, शीट 3, डाटा शीट 2 लिखा हुआ है इसे हम टैब या वर्कशीट बोलते हैं। अगर हमें इसे कलर देना है तो हम यहाँ से क्लिक करके एक कलर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको ब्लैक कर दिया, तो जैसे देखिए मैं ब्लैक किया हूं तो यहाँ पे इसका कलर ब्लैक हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम टैब कलर पर क्लिक करके उसका हम एक कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, नीचे ऑप्शन है हाइड करना। मान के चलिए कि आपको कोई क्लाइंट ने डेटा दिया कि आपको ये कोई डेटा मतलब जहां पे लाना है मतलब किसी भी तरीके से, और आप चाहते हो कि क्लाइंट को जो डेटा वाला शीट है ये उसको नहीं दिखेगी क्योंकि ये उसके काम का नहीं है, उसके मतलब उसके काम की शीट 1, 3 और 2 वाली है, डाटा वाली शीट उसके काम की नहीं है, तो इस पर राइट क्लिक करके इसको हाइड कर दूंगा। जैसे मैं इसको हाइड करूंगा तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सामने सिर्फ 3 शीट दिखती है, शीट 1, शीट 3 और शीट 2। अगर मेरे को उसे वापस अनहाइड करना हो तो मैं किसी भी शीट पे जाकर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरे को अनहाइड का ऑप्शन भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन सी शीट को या कौन सी वर्कशीट को आप अनहाइड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं डेटा की शीट को अनहाइड करना चाहता हूँ तो उस पर क्लिक करके जैसे मैं राइट क्लिक मतलब इस पर मैं जैसे ही माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मेरा डाटा वाली शीट है वो वापस आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शन है नेक्स्ट सेलेक्ट ऑल शीट, अगर मैं सेलेक्ट ऑल शीट पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरी यहाँ पे सारी शीट एक साथ सेलेक्ट हो गई है। अगर मैं आप किसी भी एक शीट के ऊपर कोई चीज लिखूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डेबिट, जैसे मैंने यहाँ पे डेबिट लिखा तो देखिए शीट 1 पे भी मेरा डेबिट लिखा हुआ गया, डाटा वाली शीट पे भी डेबिट लिखा गया, शीट 3 पे भी लिखा गया और शीट 1 पे भी डेबिट लिखा गया। अगर हम सारी शीट को सेलेक्ट करके किसी एक शीट पे हम कुछ भी टाइप करते हैं किसी भी सेल में, तो बची हुई जो हमारी शीट है जो हमने सेलेक्ट कर रखी है उनमें भी सेम डाटा सेम सेल के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं शीट ग्रुपिंग करना, यानी कि वर्कशीट की ग्रुपिंग करना, यानी कि ग्रुप में एक साथ कोई वर्कशीट पे काम करना। तो इस तरीके से हमने एक्सेल शीट के जो वर्कशीट है उसके बेसिक फीचर्स को, उसके बेसिक जो ऑप्शंस है हमने उसको सीख लिया है कि हम कैसे एक शीट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसके डेटा को कॉपी और मूव कर सकते हैं, कैसे हम एक शीट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको हम कैसे रिनेम कर सकते हैं, कैसे हम उसको कलर दे सकते हैं, कैसे उसे हाइड कर सकते हैं, कैसे उसे अनहाइड कर सकते हैं, तो ये सब हमने सीख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और आपको अगर टेलिया एक्सेल से रिलेटेड और वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारी नई वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।